अमेरिका में दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों से मिले पीएम मोदी, धन कुबेरों को दिया न्योता। मक्का हादसे में 717 लोगों की मौत, 800 से ज्यादा जख्मी, सऊदी सरकार ने दिए जांच के आदेश, 4 भारतीयों के मौत की विदेश मंत्रालय ने की। गुजरात में आरक्षण के नए फॉर्मूले पर बवाल शुरू, सूरत में मेयर और बीजेपी समर्थकों पर पथराव, आनंदीबेन सरकार ने दी है आर्थिक रूप से पिछड़ों को 1,000 करोड़ की सौगात। देशभर में आज मनाई जा रही है बकरीद, कुर्बानी के त्योहार पर लोग दे रहे हैं एक दूसरे को बधाई, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। नासिक कुंभ में चल रहा है तीसरा शाही स्नान, आस्था की डुबकी लगाने अनोखे अंदाज में पहुंच रहे हैं अखाड़े, आखिरी शाही स्नान के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और आज कर्नाटक में समृद्ध जीवन फाउंडेशन का रक्तदान महाकुंभ, कल होने वाले रक्तदान शिविर के लिए आज कर्नाटक में रक्तदान शिविर लगाए गए। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ, 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 गोरिया, 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 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बप्पा की शाही सवारी जो है बिल्कुल तैयार है, उनकी विदाई का समय समीप है, इनके विसर्जन को लेकर जो विशेष जानकारियां आपको दी जा रही हैं, लेकिन उससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि बप्पा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं खास अंदाज में, जी हाँ, अगर आप रक्तदान करते हैं। समृद्ध जीवन फाउंडेशन की तरफ से देश भर में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं और हम आपसे अपील करेंगे कि बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें और रक्तदान जरूर करें, और राजनाथ गडकरी जो है वो भी आपसे अपील कर रहे हैं। इंडिया 26 सितंबर से ब्लड डोनेशन कैंप ये प्रारंभ लगाने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व का वो निर्वाह कर रहा है, इसके लिए लाइव इंडिया को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। लाइव इंडिया की ओर से रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है, रक्तदान ये श्रेष्ठ दान है। मैं लाइव इंडिया को और ब्लड डोनेट करने वाले सभी हमारे भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। समृद्ध जीवन और लाइव इंडिया के द्वारा ब्लड डोनेशन को एक महापर्व के रूप में मनाना, मैं समझता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ एक ऐसे मानवतावादी प्रयास के लिए, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए, संदेश देगा आम आदमी को कि रक्तदान महादान, और जिससे किसी को जीवन बचाने का मौका अगर ईश्वर आपको दे दे, उसमें आपको सहभागी बनने का मौका मिले, तो मैं समझता हूँ इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। जी हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार जो देश के दिग्गज नेता हैं वो आपसे अपील कर रहे हैं, बिल्कुल रोल मॉडल हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री और साथ ही साथ नितिन गडकरी, इन सबने आपसे अपील की है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप रक्तदान शिविरों में जाएं और रक्तदान जरूर करें, और खास तौर पर आज की तारीख में कर्नाटक में जो है रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, तो आप सभी भाई बहने जो भी हैं हमारी, इन सबसे हम अपील करेंगे कि आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, बप्पा से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सुनहरा मौका आज आपको मिल रहा है। आप जो भी आपके नजदीकी रक्तदान शिविर लगाए गए हैं वहां पर आप पहुंचे, युवा खास तौर पर वहां पहुंचे, सबको प्रेरित करें, सबको लेकर जाएं और रक्तदान आप सभी जरूर करें, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात, आप लोग के मन में ये वहम रहता है, भ्रांति रहती है कि रक्त निकाल लेंगे, इतना इतना रक्त हमारे शरीर से निकल जाएगा। रक्त उतना ही निकाला जाता है जो आपके शरीर में इजिली फिर से बन जाता है, बहुत आसानी से बनता है, और आप इसका दान कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब को बताते हैं कि कितने यूनिट आप प्रत्येक माह में, 2 माह में, 3 माह में कर सकते हैं, और एक ऐसा मौका आपको मिल रहा है। इस मंच के माध्यम से भी आपको बार बार ये आग्रह किया गया है, अनुरोध किया गया है कि आप ऐसे में जरूर रक्तदान करें, और हम तो ज्योतिष के द्वारा भी आपको इससे कनेक्ट करते हैं कि मंगल आपकी कुंडली का बेहद संतुलित अवस्था में होगा, कहीं पर भी किसी भी तरह की दुर्घटना अगर होने वाली है उसमें जो रक्त आपका बहता, जो रुधिर आपका निकलता, वह पहले ही आपने निकाल दिया, तो यह एक तरह से ये उपाय हो जाता है कि अब आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा।
जी हाँ, तो ये बात तो आप सभी आसानी से समझ गए हैं कि मंगल ग्रह की मजबूती चाहते हैं और चाहते हैं कि मंगल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो रक्तदान जरूर करना चाहिए। जरूर करें, आज की तारीख आपके पास है, सुनहरा मौका है और ये अवसर अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। और आप सबको बता दें कि आज एक और खास मौका है, नासिक महाकुंभ, और आज आखिरी शाही स्नान है, तो ऐसे में सीधे चलते हैं नासिक और जहाँ हमारे संवाददाता राहुल देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि आज नासिक महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान है, किस तरह का उत्साह उमंग भक्तों में आज जो है वहां श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं उनमें आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आज त्रिंबकेश्वर का आखिरी और तीसरा शाही स्नान है। इसके पहले नासिक में जो शाही स्नान हुए हैं वो तीन ऑलरेडी हो चुके हैं, त्रिंबकेश्वर का आखिरी शाही स्नान है। और रही बात उत्साह की, तो भक्तों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम अपने कैमरामैन नितेश सोनौने से कहेंगे कि वो अपना कैमरा पैन करके जो शाही स्नान चल रहा है इस वक्त वो दिखाएं। जो भक्तों में है वो उत्साह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। करीबन दो दिन पहले से ही भक्त यहाँ पर आ जुटे हैं शाही स्नान के लिए। शाही स्नान का ऐसा मौका होता है जब जो लोग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, बस उनको एक ही चीज़ की सौगात होती है कि कम से कम यहाँ पर एक बार डुबकी लग जाए ताकि उनको मोक्ष मिल जाए, उनको अमृत की प्राप्ति हो जाए। तीसरा आखिरी शाही स्नान है और 12 साल बाद ये कहीं जाकर फिर से नासिक को नसीब होने वाला है। और ऐसे में ये पल हर कोई अपने नजरों के सामने कैद करना चाहता है। जी बिल्कुल राहुल, बहुत सही बात कही है, ये आस्था की डुबकी है और सभी चाहते हैं कि इस डुबकी का आनंद लेना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो, पापों से उनको मुक्ति मिले। लेकिन जिस तरह का ये नासिक महाकुंभ है, तीसरा शाही स्नान है, अखाड़े जो है स्नान कर रहे हैं, लेकिन जानना ये भी चाहेंगे अब आपसे कि काफी तादाद में जो है श्रद्धालु जो है वहां पहुंचे हैं, सुरक्षा के आखिरी शाही स्नान है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और प्रबंध किस तरह से किए गए हैं? रात से ही जो प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी, लगभग 200 सीसीटीवी लगाए गए हैं, खासकर अगर जो हम बात करें कुशावर्त में सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीबन 1 से 2 किलोमीटर के पहले से ही बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। जो आम श्रद्धालु हैं उनको अभी फिलहाल मौका नहीं दिया जा रहा है शाही स्नान का। जो शाही स्नान करने का जो मौका मिल रहा है वो सिर्फ अखाड़े के साधु संत और महंतों को मिल रहा है। 9 ऐसे अखाड़े हैं जो कि उनका शाही स्नान हो गया है, एक अखाड़ा बचा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुशावर्त कुंड पर नहीं पहुँच पाया है। ऐसे में जो आम श्रद्धालु हैं उनको मौका दे दिया गया यहाँ पर शाही स्नान करने का। तो जो ये मौका कोई यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु वो नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि नासिक कुंभ का जो दोबारा यहाँ पर लगेगा वो 12 साल बाद होने वाला है। और ऐसे में एक भी जो भी श्रद्धालु है वो बिल्कुल मौका नहीं छोड़ना चाहता है यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। रही बात अगर जो हम श्रद्धालुओं की बात करें तो बीती रात से ही जो शाही मार्ग है वहाँ पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि जो शाही मार्ग का जो रास्ता है, जिस रास्ते से साधु संत महंत आते हैं यहाँ पर कुशावर्त, उनका जो शाही यात्रा होती है वो वाकई में बहुत ज़्यादा देखने लायक होती है। इसलिए देखने लायक होता है क्योंकि जो अखाड़ों का जो शाही, जी बिल्कुल राहुल, अभी आपने जैसे बताया कि आखिरी जो अखाड़ा है वो भी शाही स्नान लेंगे और ऐसे में अब जिस प्रकार की आपने जानकारियां दी हैं, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया करना चाहेंगे कि जो दर्शक इस वक्त हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं आपके माध्यम से नासिक महाकुंभ जो शाही स्नान है, आखिरी शाही स्नान है, इसका लुत्फ उठा पाए, मानसिक स्नान हो गया, बिल्कुल। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाते हैं नए कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। मेरा नाम सपना है, मैं इलाहाबाद से बात कर रही हूँ। प्रणाम गुरुजी। सपना जी, बधाई आपको। मैं आपका प्रोग्राम 5 साल से देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी प्लीज मेरे कष्टों का निवारण करिए, आप ही का एक सहारा है मेरे पास। कृपा ठाकुर जी की। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए सपना।
मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1990 जी। सुबह 7:15 पर, जन्म स्थान है कौसाम्बी इलाहाबाद जी। कर लीजिए प्रश्न, कर लीजिए सपना जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा प्रश्न है सर, गुरुजी 7 सालों से मेरी पढ़ाई में बहुत रुकावट आ रही है। मैं MBBS क्वालिफाई करती हूँ पर सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है जी। और मैं अपनी मम्मी के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। उनको बहुत कष्ट है मेरी वजह से भी और जिंदगी में भी। प्लीज गुरु जी कुछ उपाय बताइए। सपना देखिए, आपकी कुंडली अमावस्या के जन्म की है, सोमवार का दिन था आपके जन्म के समय में, शुक्र की महादशा आपकी चल रही, सिंह लग्न आपका है और आपकी चंद्र राशि कर्क है। बृहस्पति चंद्रमा एक साथ और जन्मांक को पूरी तरह से दूषित करता हुआ जन्मांक हम कहेंगे। संघर्ष तो जीवन में आपके पर चलता ही रहेगा। यद्यपि प्रातःकालीन वेला में जन्म है, यह आपके लिए शुभ संकेत है, तो वैवाहिक स्थिति के बाद कुछ जाकर के आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। मंगल आपका सबसे मजबूत है, गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत प्रबल है, सूर्य स्वग्रही है लग्न में ही, मजबूती के साथ रहें आप। रविवार का व्रत करिएगा, माँ के लिए आप जो भी विचार की हैं सब कुछ कर सकती हैं। एक चांदी का स्वास्तिक अपने गले में धारण करिएगा, बाल लंबे रखिएगा और जितना हो सके सात्विक आहार ग्रहण करें। प्रातःकाल उठ के सूर्य नमस्कार करके भी आप लाभ प्राप्त कर सकती हैं। जी हाँ, और चलिए अब आप सबको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। आज के राहु काल का समय है 10:30 प्रातः काल से लेकर के 12 बजे तक मध्यान्ह वेला में, कोई भी शुभकामना करिएगा। कल का राहु काल रहेगा 7:30 से लेकर ठीक 9 बजे तक, इस बीच में भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। जी हाँ, और शुभ काम कीजिए गुलिक काल में, नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। गुलिक काल का समय इस समय चल रहा है अर्थात 7:30 से लेकर के 9 बजे तक आज के दिन का और कल का गुलिक काल, प्रातः काल वेला में 6 बजे से लेकर 7:30। हर एक शुभ काम कर सकते हैं, प्रत्येक कार्यों को बल मिलता है, कार्य आपके बनेंगे। जी हाँ, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, लौटते हैं ब्रेक के बाद। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ, 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 गोरिया, 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 पापा गोरिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बच्चे, आपके पास ICICI बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो ICICI बैंक पॉकेट्स डाउनलोड, पॉकेट्स बाय ICICI बैंक। सच्चा दा बंग हो, DMR कंफर्ट का संग हो, DMR डिजायर दीवाना बना। समृद्ध जीवन फाउंडेशन के द्वारा ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ये वास्तव में ही किसी जरूरतमंद को उसके जीवन को बचाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। मैं सब लोगों से, जनता से, हरियाणा वासियों से अपील करता हूँ कि इस प्रकार के रक्तदान शिविरों में अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके भाग लें, ताकि हम वास्तव में एक सेवा का काम कर सकें, किसी की जिंदगी को बचाने का काम कर सकें। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ, 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 गोरिया, 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 पापा गोरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बप्पा के आशीर्वाद के साथ पहुंच रहा है आप तक आपका अपना लकी अक्षर। We'll be right back.
पप्पा की प्रतिमा को कैसे स्पर्श करना है, कैसे उठाना है, कैसे बाहर लेकर के जाना, सारी बारीक जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे। बस चंद मिनट की देरी है, तब तक राशिफल के इसके साथ आप ले लीजिए अपना लकी अच्छा। मेष के लिए टाक्षर है और वृषभ के लिए डाक्षर आपके सम्मुख आ चुका है, इसको आप नोट कर लें। मिथुन के लिए दाग, कर्क के लिए गाक्षर है, सिंह राशि के लिए हाक्षर और कन्या के लिए खा, तुला राशि के लिए थाक्षर और वृश्चिक के लिए शा, समक्ष आपके देखें, धनु राशि के लिए ज्ञाक्षर और मकर के लिए शा, कुंभ राशि के लिए चाह है और मीन के लिए पाक्षर। ये आपके अपने शुभ अक्षर हैं जो आप 24 घंटे अपने पास रखेंगे जिससे शुभता में कोई कमी ना बचे। जी हाँ, और बप्पा आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ करें, दुख दूर हो जाए, इसके लिए क्या करें उपाय आइए जानते हैं शुभकर्ता दुखहर्ता में। चलें अब आपको हम एक इच्छा एक वरदान पूर्ण कराने का एक नुस्खा देते हैं जो कि आज ही आपको करना है। एक केले का पत्ता प्राप्त करना है, केसर हल्दी इत्र, ये तीन सामग्री को मिला करके पत्ते पर कलम से, अनार की कलम से अपनी एक इच्छा लिख डालिएगा। बेटी की शादी हो, अच्छी जगह एडमिशन हो, MBBS में, इंजीनियरिंग में, कहीं पर भी। इसके बाद पीला कपड़ा बिछा दीजिए इस पत्ते के ऊपर और इसी पर बैठ करके गणपत के मंत्रों का जाप करिएगा। फिर विसर्जन के समय मूर्ति को इसी पत्ते पर आप लपेट दीजिएगा और फिर बप्पा को लेके घर से प्रस्थान करिएगा। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज इस पिटारे में यानी किचन पिटारे में क्या खास है आपके लिए। वैसे मारने के लिए हाथ पैर लाठी डंडे का प्रयोग होता है, लेकिन एक चीज से और मारा जाता है और वो है ताना मारना। अगर आपके जीवन में कोई ताना बहुत मार रहा है तो दही के द्वारा कैसे आप इससे बच सकते हैं हम बताते हैं। दही के विषय में पहले जानकारी ले लें। दही दुग्ध उत्पाद है जिसका निर्माण जीवाणुज किण्वन के द्वारा होता है। दही के सेवन से हार्ट में होने वाले तमाम तरह के रोग दूर होते हैं। एक चम्मच में दही लेना है, एक चुटकी नमक डालना है, थोड़ा सा काला नमक डालिएगा, सर से 3 बार उल्टा वार के घर से बाहर फेंकिएगा। यह प्रयोग कुछ देर लगातार 3-4 दिन कम से कम करेंगे तो लाभ आपको जरूर दिखेगा, शुभता आपको जरूर मिलेगी। बिल्कुल, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं बप्पा का वो संदेश जिसका जीवन भर आपको अमल करना है, आइए जानते हैं वो गणेश वाणी में। गणपति बप्पा, कभी भी किसी भी निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं आप तो उससे पहले एक बार अपने बुजुर्गों का मशवरा जरूर लिया करें, सलाह जरूर लिया करें, उसके बाद फिर आप निर्णय पर पहुंचा करें, अन्यथा कष्ट उठा सकते हैं। जी हाँ, और अब आपको बता दें कि थोड़ी देर में आप देखेंगे लाइव 50 जिसमें देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें होंगी, फिलहाल उसकी आप झलक भी देखिए। हाँ, तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लाइव 50 देखिएगा, आगे हम आपको बताएंगे आपको आगे। और अच्छा, एक और बड़ी खबर है आचार्य जी, हमारे पितृ भी आने वाले हैं। हाँ, पितरों का स्वागत भी करने। जी हाँ, पितृदेवो भव, इनका स्वागत किस खास अंदाज में करें आप लोग ताकि इनका जो आशीर्वाद है आप पर हमेशा बना रहे। हमारी खास पेशकश के दौरान वो बारीक से बारीक जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी, फिलहाल देखिए इसकी एक झलक भी। अक्षन पितरो अमी मदंत पितरो अति तृप्यंतान पितरा पितरा क्षुंधध्वम शांति शांति शांति। और वक्त हो गया है ब्रेक का, आज दोपहर 2 बजे हमारी क्या खास पेशकश होगी बप्पा को लेकर के देखिए इसकी एक झलक हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे जैन तब हमको पाना है।
नो केमिकल एनर्जी 100% आयुर्वेदिक दीवाल बी एच प्लस हेयर कलर रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है इनमें से कोई एक आपका बैचमेट विकी है कोई पहचान सकता है विकी को सर मैं ट्राई करूं श्योर ओ विकी हाँ बोलना क्या पुलिस अकेडमी का बदल जाएगा कैरेक्टर क्योंकि शमशेर को मिले हैं 7 नए चैप्टर रेनो प्रेजेंट्स पुलिस फैक्ट्री कल से शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ सब पर हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना देखिए किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं सो स्वीट पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को अब नहीं होगा क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज स्वच्छ पानी तो आपने पी लिया लेकिन यहाँ स्वच्छता रखना किसकी जिम्मेदारी है चिप्स तो इन्होंने खाया पर यह खाली पैकेट किसकी जिम्मेदारी है सही सामान तो मिल गया और खाली पैकेट यह किसकी जिम्मेदारी है समझदार ग्राहक न सिर्फ सही सामान खरीदता है बल्कि अपने कचरे का सही निपटान भी करता है आप भी समझदार ग्राहक बनिए और स्वच्छ भारत का सपना सच कीजिए जागो ग्राहक जागो दिव्या कूल आराम से ज्यादा जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान आम तौर पर यही कहा जाता है कि रक्त दान महादान अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम आपकी तरफ से हो रहा है तो यकीनन वो स्वागत योग्य है और बड़ा काम है बड़ी सेवा है जितने भी लोग इसमें साथ देंगे वो पुण्य का काम करेंगे दिखाना ही होगा अगले बरस आना है आना ही होगा लौट के तुझको आना है सुन ले कहता दीवाना है जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बप्पा की विदाई को लेकर हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं लेकिन आंखें हमारी नम है और दिल में भी गम है बिल्कुल दोहराए नहीं इतने दिन इनकी सेवा किया गया इनका आशीर्वाद लिया गया इनसे प्यार किया गया अब इनको विदा करना होता है और वो भी सीधे नदी में ले जाकर के प्रवाहित करते हैं जल प्रवाह किया जाता है तो वो एक भाव जो है वो विह्वलता आ ही जाती है बिल्कुल मन भराया इस चीज को सोचते के साथ ही फिलहाल आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा देश और दुनिया की हर अहम खबर लाइव 50 में 50 खबरें होंगी तो आप वो जरूर देखिएगा और फिलहाल और बिल्कुल लाइव 50 पे अभी आप देखिएगा हमारे शो के तुरंत बाद और चलिए अब आपको बता देते हैं आपका आज के दिन का हाल यानी कि राशिफल मेष से लेकर मीन तक का शुरुआत मेष वालों से आज का दिन पूरा आरामदायक आपका रहेगा विवादों में न पड़िएगा जामनी रंग की शुभता रहेगी 88% का भाग आपके साथ जुड़ा रहेगा वृषभ राशि मित्रों का सहयोग मिला नए कार्य शुरू होंगे सफेद रंग की शुभता है 59% का भाग आपके साथ है मिथुन विवाह का योग बन रहा आमदनी में वृद्धि के संकेत हरा रंग शुभ होगा 65% का भाग आपके साथ रहेगा कर की चर्चा तनाव से मुक्ति मिलेगी खान पान पर ध्यान दें लाल रंग की शुभता है और 88% का भाग आपके साथ है सिंह राशि मान सम्मान मिल रहा अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है आपको भूरा रंग शुभ होगा और 50% का भाग साथ देगा कन्या वालों के लिए आज दिन थकावट भरा रहेगा मित्रों का सहयोग मिल रहा गुलाबी रंग की शुभता 80% का भाग आपके साथ है तुला राशि मन प्रसन्न रहेगा खर्चा बढ़ेगा नीला रंग शुभ होगा और 75% का भाग आपके साथ रहेगा वृश्चिक वाहन खरीदने का योग है संबंध मधुर होंगे संतरी रंग की शुभता है और 70% का भाग्य आपके साथ है धनुराशि मानसिक तनाव दूर हो रहा है भाग्योदय होगा मेहरून रंग की शुभता है 75% का भाग्य आपके साथ रहेगा मकर की बात करेंगे सोच समझ कर निर्णय ले यात्रा का लाभ पीला रंग शुभ 95% का भाग्य साथ देगा और कुंभ राशि पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जोखिम भरे कार्यों से दूर रहे आसमानी रंग की शुभता है 80% का भाग्य आपके साथ है और अंतिम राशि मीन कानून को हाथ में ना ले आमदनी में कमी हो सकती है कीम रंग की शुभता है 55% का भाग साथ दे रहा है
जी हाँ, और राशिफल की बात हो चुकी है और समय भी अब वो आ चुका है, अब बप्पा को विदाई देनी है। जी हाँ, बप्पा को विदाई देने का समय आ चुका है और जिस खास अंदाज में इनका स्वागत किया गया था उसी खास अंदाज में अब इनको विदाई देंगे। इनका विसर्जन विधि पूर्वक होगा और कैसे उठाना है, कैसे पकड़ना है, कैसे स्पर्श करना है, कैसे लेकर निकलना है, ये सारी बारीक जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले इनको प्रणाम करके आप प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमसे जो कुछ भूल चूक हुआ है, जो भी हमारी सेवा में कमी रह गई है, उसको अपना बालक समझकर, अपनी बालिका समझकर, अपना बच्चा समझकर क्षमा करिएगा। और इसके बाद इनको आप बिल्कुल इस तरह से उठाएंगे और हमेशा समझिएगा कि बप्पा की पीठ पर दृढ़ता का वास होता है, तो आप हमेशा बैग से इनको लेके निकलेंगे अपने घर की तरह, पूरी जगह पर हर जगह दिखाते हुए। और इस तरह से आप बप्पा को गणपत बप्पा मोरिया का नारा लगाते हुए आप लेकर के निकलेंगे। जय हो भगवान श्री गणेश। हम बिन बापा वापस लौट के आओगे। बिल्कुल बप्पा, वापस आप लौट कर जरूर आएंगे। अभी हम सब सुन रहे हैं, मन बहुत ही भारी हो चुका है क्योंकि बप्पा की विदाई यहाँ से तो हो चुकी है। और आचार्य जी, आपको सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इतनी सारी अहम जानकारियां हम तक और दर्शकों तक हर दिन पहुंचाई हैं गणेश उत्सव के दौरान। आप सबको भी, दर्शकों को भी एक बार फिर से गणेश उत्सव और बप्पा की विदाई को लेकर के भी हम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। लेकिन हाँ, दोपहर 2 बजे आप सबको हमारे साथ जरूर जुड़ना है क्योंकि बप्पा से जुड़ी हुई और भी अहम जानकारियां हम आपको देंगे आज दोपहर। और आपसे अपील करेंगे कि आप सब हम तक ये फीडबैक जरूर पहुंचाएं कि आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा और बप्पा से आपने क्या कुछ पाया। हमें दीजिए इजाजत। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ, 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 गोरिया, गोरिया, गोरिया रे, बप्पा गोरिया। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। हर साल 26 सितंबर को लाइव इंडिया एक ब्लड डोनेशन कैंप करता है। मैं चाहता हूं और मैं बहुत अपने दिल से चाहता हूं कि आप अपने घरों से निकलें और इस कैंप में, इस डोनेशन में भाग लें। It's for a noble cause and this is to spread smiles and happiness. Ovaisi ne udai neend. Bihar chunav ka X Factor subah 9:30 par. Hum Bihar ke Munger jila mein hain. Sabse badi samasya aaj Munger mein shiksha ke kshetra mein यूनिवर्सिटी नहीं है। टीचर से हम लोग जो है पढ़ाने के सिवा सब काम टीचर से कर पाते हैं। ये जो दोनों पार्टी ताल ठोके हुआ है, हम किस पे विश्वास करें? तो जो हकीकत है वो आपके सामने में है। आज बिहार फिर से विनाश की पटरियों पर है। मुंगेर ने आज तक सब चीज खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं है। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर, दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। लाइव इंडिया एक बहुत अच्छा काम हर साल करता है 26 सितंबर को, जहाँ पे लाखों की तादाद में ये ब्लड डोनेशंस इकट्ठा करते हैं। और याद रखिए, ये ब्लड डोनेशंस, एक ब्लड 3 लोगों की जान को बचाता है। कितनी लाइफ लाइव इंडिया के कारण से हर साल बच जाती हैं। सो अगर आपने ब्लड डोनेट नहीं किया, आप भी जाके ब्लड डोनेट करिए। इनकी वेबसाइट पे जाइए, पता करिए कहाँ पे कैंप हो रहा है और वहाँ जाके अपना ब्लड आप ज़रूर दीजिए।